तो क्या आपको अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम हटाना है? तो चलिए सीखते हैं। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सस्रियाकाल, सलाम, केम छो, कसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रहुआ लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मॉकडस्कोर गप्पू पे। आज का हमने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक चूज किया है। बहुत लोगों ने, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो बडिंग यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस, मेल वगैरह किए हैं और उनका बहुत सारा ये सवाल है कि सर, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, हमने कॉपीराइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, हम म्यूजिक वगैरह भी वही यूज करते हैं जो कॉपीराइट फ्री रहता है, लेकिन जब वो उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उसके बाद भी कई सारी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब कर देता है, तब उनकी ये परेशानी आती कि उन्होंने एक इतना ड्यूरेशन वाला वीडियो बना रखा है, इतनी लंबी वीडियो बना रखी है, अब उसको वापस से वो अपने जो भी एडिटर यूज करते हैं उसमें वापस एडिट करके उसको एक्सपोर्ट करना, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो इसी का एक शॉर्ट टेक्निक मैं आपको बताने वाला है। YouTube पे ही वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन है, जहां पे आप अपने उस सॉन्ग्स को या अपने उस म्यूजिक को या अपने उस वीडियो को ट्रिम, स्प्लिट और बहुत सारी एडिटिंग आप कर सकते हैं YouTube एडिटर के माध्यम पे। और ये आप कभी भी कर सकते हैं, आपका वीडियो अपलोड होने के बाद भी आप कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, पब्लिश करने के बाद भी कर सकते हैं, पब्लिश करने के पहले भी कर सकते। तो चलिए आज आपको हम सिखाते हैं कि कैसे आप YouTube का एडिटिंग फीचर यूज करके अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने YouTube पे जाना है। YouTube पे जाने के बाद जो भी आपका चैनल है, आपको YouTube स्टूडियो वाले पेज पे क्लिक करना है। YouTube वाले स्टूडियो पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपना डैशबोर्ड निकल के आएगा। ये मेरा दूसरा चैनल है घुमक्कड़ गप्पू, जो कि मैंने व्लॉगिंग के लिए बना रखा है और रिसेंटली क्रिएट किया है। आप चाहे तो इसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको सीधे कंटेंट वाले पार्ट पे आना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जितनी सारी वीडियोस बनाई है उसका एक पेज खुल के आएगा। जैसे अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो एडिट करके YouTube पे अपलोड किया है। अभी ये अनलिस्टेड कैटेगरी पे है, अभी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है, अनलिस्टेड पे ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। वैसे मैंने बहुत ही बारीकी से सारे सॉन्ग्स वगैरह या म्यूजिक वगैरह डाले हैं, कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक ही डाले, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, जो कि आ सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हमने देखा है कि आप भले ही कॉपीराइट फ्री म्यूजिक निकाल के आप डाल रहे हैं, बट YouTube में उसको कॉपीराइट क्लेम में आ रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक में आ रहा है। तो आज हम यही सीखेंगे कि आप उस वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हैं और उस पार्ट को, सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को जहां पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ रहा है, आप उसको कैसे हटा सकते हैं। तो आप एक बार कॉपीराइट में आ सकते हैं और ये जो लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना सही रहता है। सारी डिटेल्स वगैरह अच्छे से आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, योर वीडियो इज इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम, रिव्यू डिटेल्स एंड dispute the claim if you believe this is an error, revenue is held separately until a dispute is resolved. आप learn more पे भी जाइए। learn more पे जाने के बाद आप ये जो पूरा monetization policy है और क्या क्या copyright claims और क्या क्या content ID है claims के, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं एक बार। you can go through it one by one। आप सारी चीजों को पढ़ने के बाद आप वापस से copyright claim पे आइए और यहाँ पे see details पे जा सकते हैं। see details पे जा सकते हैं, यहाँ पे एक summary दिया हुआ है, copyright summary and status है। यहाँ पे YouTube ने साफ साफ क्लियर कर दिया है, content ID claim on your video doesn't affect your channel, this is not a copyright strike। इसका कहने का ये मतलब है कि आपके चैनल पे copyright strike नहीं आया है, आपका चैनल सेफ है और इससे आपको डरने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो पे आया है जिसकी monetization, मान लीजिए कल को आपका वीडियो काफी जाके पॉपुलर हो जाता है और उस पे व्यूज वगैरह आते हैं और आपके वीडियो से पैसे आ रहे हैं, उस पैसे का कुछ पार्ट जो copyright जिसने स्ट्राइक मारा है वो कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू उसको भी चला जाएगा। तो उसी चीज के बारे में YouTube ने आपको बताया है कि क्या आप उस पार्ट ऑफ रेवेन्यू उससे शेयर करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेवेन्यू शेयर नहीं करना चाहते तो आपको उस पार्ट को हटाना पड़ेगा या तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो यही चीज YouTube यहाँ पे स्टेटस और समरी में बता रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं चैनल इम्पैक्ट नॉट अफेक्टेड, मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी पढ़ सकते हैं, वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, एड रेवेन्यू पेड टू कॉपीराइट ओनर, जैसा कि मैंने अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो ये सब चीजें देख के आप डरिएगा मत। जो भी बर्डिंग यूट्यूबर्स है जिसका अभी रिसेंटली चैनल मोनेटाइज हुआ है, हर चीज का सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन YouTube पे ही अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट एक्शन वाले बटन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ट्रिम आउट सेगमेंट, YouTube यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप उस पार्ट को ही हटा दीजिए ट्रिम कर,
रखें। सेकंड पे आता है रिप्लेस सॉन्ग, जो भी सॉन्ग आपने डाला है जिसपे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है चाहे तो उस सॉन्ग को ही पूरा का पूरा आप रिप्लेस कर सकते हैं एक नए सॉन्ग से। और तीसरा ऑप्शन आता है म्यूट सॉन्ग, या तो आप उस सॉन्ग को म्यूट ही कर दीजिए। और यहाँ पे जो डिस्प्यूट का ऑप्शन आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्या होता है कि कभी कभी आप ऐसा सॉन्ग लेते हैं जिसका आपने लाइसेंस खरीद रखा है या लाइसेंस आपने परचेज किया हुआ है, और फिर भी लेकिन अगर यूट्यूब उस पर कॉपीराइट क्लेम डाल रहा है तो आप डिस्प्यूट पे जा सकते और वहां पे आप बता सकते हैं कि आई हैव फुल अथॉरिटी टू यूज दिस सॉन्ग एंड ये लाइसेंस हमारे पास जेन्युइन है, तो यू कैन नॉट स्ट्राइक अ कॉपीराइट क्लेम ऑन माई वीडियो। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले वो रिप्लेस सॉन्ग के बारे में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है जो कि कॉपीराइट क्लेम जिसमें आ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं रिप्लेस सॉन्ग पे। रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप यहाँ जूम इन वाले फीचर पे आइए और अपना वीडियो जूम कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका वीडियो एक बहुत ही लंबे ड्यूरेशन का वीडियो है तो यहाँ पे जूम करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि तभी आप एग्जैक्ट मैचिंग और एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सॉन्ग्स कर पाएंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपका कुछ पार्ट ओवरलैप कर जाता है और जो आपने कुछ बोला है वीडियो में वो भी ओवरलैप करके उसमें भी सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जूम पे चले जाइए और थोड़ा सा जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद आप यहाँ पे आइए और जिस पार्ट पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वन बाय वन आप सॉन्ग्स वगैरह सुन के आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग आपके वीडियो के मूड से मैच कर रहा है। अब जैसे ये वाला सॉन्ग मेरे लिए एप्ट लग रहा है इस वीडियो को, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देख रहे हैं। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग रिप्लेस हो चुका है और उसी पर्टिकुलर प्लेस पे आके रिप्लेस किया गया है जहाँ पे कॉपीराइट क्लेम्स या स्ट्राइक्स आ रही थी। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है एक बार में ही कर लीजिए, वंस एंड फॉर ऑल में। अगर आपको वीडियो के पार्ट में कुछ ट्रिम वगैरह करना है तो वीडियो वाले ऑप्शन पे आके आप ट्रिम वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग में कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 2 से 3 दिन। तो जितनी भी एडिटिंग आपको करनी है उस वीडियो पे आप सारी चीजें एक बार में कर लीजिए और करने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक पेज निकल के आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा रेडी टू रिप्लेस सॉन्ग, दिस प्रोसेस माइट टेक अ व्हाइल, वंस द ऑडियो क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली रिप्लेस्ड विल अपडेट एनी व्यूइंग और मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन, यूजर विल कंटिन्यू टू सी योर करंट वर्जन ऑफ योर वीडियो अंटिल द एडिट्स आर प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा समय वेट करना पड़ेगा, यूट्यूब इसको प्रोसेस कर रहा है। आपके जितने भी व्यूअर्स है वो आपका वीडियो तो देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि आपका वीडियो YouTube पे दिखना बंद हो जाएगा, आपके यूजर्स और व्यूअर्स उसको देख सकते हैं अभी। एक बार जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो एडिटेड वीडियो है वो YouTube पे फ्लैश होने लगेगा। अब आप इसको सेव कर दीजिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप अपने वीडियो एडिटर पे कैसे जा सकते हैं। आपको वही सेम अपने कंटेंट वाले पेज पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स का एक बटन है, इस पे क्लिक करें। एडिटर वाले पार्ट पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रिम एंड कट है, ब्लर है, ऑडियो है, एंड स्क्रीन है और इन्फो कार्ड है। आप इतनी सारी चीजें अपने वीडियो पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्ट ट्रिम या कट करना है तो आप यूज कर लीजिए, अगर आपको कोई पार्ट ब्लर करना है तो आप यूज कर लीजिए, अगर ऑडियो भी रिप्लेस करना है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, एंड स्क्रीन और इन्फो कार्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐड का बटन है, ऐड करोगे तो सारे लेयर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ऑडियो एडिटिंग का ये यूज है कि आपने मान लीजिए कोई एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत लंबी वीडियो है और आपने उसको एडिटिंग वगैरह कर लिया, लेकिन एडिटिंग करने के बाद अपलोड करने के बाद आप उसमें फिगर आउट करते हैं कि उसमें बहुत सारी गालियां वगैरह है एंड एक दो पॉइंट पे स्लैंग्स यूज हुए हैं जो आपसे मिस हो गया था सुनने में। अब लेकिन क्या होता है कि जस्ट बिकॉज कि ये आपका एक कम्युनिटी गाइडलाइंस को अफेक्ट करता है और आपने एक यूजर फ्रेंडली वीडियो बनाया है, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट आ जाता है एंड यू फील दैट कि यू नीड टू रिप्लेस दिस स्लैंग विद ऑडियो। तो ये ऑडियो रिप्लेसमेंट एंड ऑडियो एडिटिंग बहुत काम आती है इस केस में। तो आई गेस मैंने आपको बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है चीजों को कि कैसे आप वीडियो अपलोड करने के बाद एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट अगर क्लेम आ जाता है तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज monk_gappu एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई अदर व्लॉगिंग चैनल इन द नेम ऑफ घुमक्कड़ गप्पू। आशा करता हूँ कि आप आगे भी मुझे इस तरीके का प्यार देते रहेंगे। तो जाते जाते हैव नो फियर, व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।